अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जिशान अमीन है। ब्लॉगर 4.0 की जानब से YouTube के अर्निंग के कोर्स की वीडियो नंबर 14 के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि सोशल ब्लेड क्या है और ट्यूब बडी क्या है और इनको यूज़ कैसे किया जाता है और यूट्यूब के चैनल की जो रेपो है वो कैसे देखी जाती है, अर्निंग कैसे दी देखी जाती है, उनके टैग्स कैसे देखे जाते हैं और उनकी पॉपुलरिटी कैसे देखी जाती है। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये कहा था कि अगले ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा जो जिन वीडियो के ऊपर आता है अपना क्लेम कॉपीराइट का, वो कैसे दूर करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा उसको पोस्टपोन करता हूँ, उससे पहले मैं जो चंद ज़रूरी चीज़ें हैं वो वीडियोस में आपको बना के बताऊँगा। कि इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि यूट्यूब के चैनल के ऊपर अगर किसी वीडियो के ऊपर सॉन्ग लगाना है, क्लेम भी ना आए, यूट्यूब क्लेम भी ना करे, तो वो कैसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंतहाई आसान है और इजी है। सबसे पहले तो आप अपना यूट्यूब खोल लें। यूट्यूब खोलने के बाद ये देखें, जिस तरह की मैंने ये एक वीडियो अपलोड की है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, 10 फूड वाली की करते हैं, इसी के ऊपर क्लेम आया होता है, या इसके ऊपर आप कर लेते हैं। ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आएगा जी सब्सटेंस, और इस तरह की एडवांस सेटिंग भी है इसके ऊपर, और कार्ड वगैरह भी आप इसके ऊपर लोड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे साउंड का ऑप्शन भी आपको नज़र आएगा। एक मिनट, वीडियो मैनेजर भी को चला जाता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक साउंड लगाया हुआ है। तो हम इस वीडियो के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस में है। मैंने एक साउंड सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये देखें, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वीडियो का आप देख लें, 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन 10 मिनट का हमारे पास सॉन्ग नहीं होगा। हम इसको ड्यूरेशन जो है ये देख सकते हैं, सी वाला, ओपन सी का ऐड कर देते हैं एक, और ये वाला ऐड कर देते हैं हम, और ये देखें यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये आपको साउंड की आवाज़ भी आ चुकी होगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर साउंड लगाने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सेव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होगा और इसके जो पीछे बैक साउंड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इसको साउंड पीछे बैकग्राउंड में वीडियो के लगाने का तरीका। ठीक है, इससे पहले मैंने इस वीडियो के ऊपर लगाया था साउंड, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे, ये देखें ऑडियो स्वैप पे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर भी साउंड लगा लूँ। यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करूँगा, ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन पे चले जाएं आप, देखें टॉप के ट्रैक हैं यहाँ पे, वो शो हो रहे हैं। आल ट्रैक मैं यहाँ पे करूँगा, तो ये पहले चेक कर लेते हैं साउंड इसका कैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि यही साउंड हम लगा लेते हैं इसके ऊपर, ऐड टू वीडियो। तो ये देखें, ये देखें साउंड चल चुका है, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये तकरीबन 2-3 मिनट लेगा और इसके पीछे जो बैकग्राउंड साउंड है वो सेट हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली फिर इधर घूमता हुआ आ जाएगा। देखें, दोनों के ऊपर अब साउंड लग रहे हैं, 2-4 मिनट के अंदर ये साउंड लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि किसी भी वीडियो के ऊपर जो है एनोनेशन कार्ड कैसे लगाते हैं, और वीडियो के अंदर वीडियो जो आप जबकि ये देखें, आपको मैं बता ही देता हूँ। ये देखें एंड स्क्रीन एनोनेशन कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं कह रहा था कि ये देखें एनोनेशन क्लिप्स जो होते हैं वो आप इस वीडियो के ऊपर देखें ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइबर का, चैनल का, और लिंक भी दे सकते हैं किसी वेबसाइट का या चैनल का। इसके अलावा कार्ड्स वगैरह भी डाल सकते हैं, ये देखें, ये कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप ऐड कार्ड भी कर सकते हैं, चैनल का, पोल का, और
पॉल यही है कि मेरी वीडियो कैसी है, आपको कैसी लगी, चैनल भी प्रमोट कर सकते हैं, ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से वीडियो के ऊपर साउंड दोनों के ऊपर लग चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ऐड जो है एनोनेशन कैसे ऐड करते हैं, कार्ड को कैसे ऐड किया जाता है, और यूट्यूब के ऊपर वाटरमार्क को कैसे सेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।